अगर सूख का जो है कायिक अवस्था पर पड़ता है या पुष्प अवस्था पर पड़ता है या बीज भराव पर पड़ता है तो इसके विभिन्न तरह से इसके नुकसान फसल को होते हैं। यदि कायिक अवस्था पर सूखा पड़ता है तो उसकी वजह से सोयाबीन की फसल में नोड कम बनते हैं और नोड कम बनने से क्या होता है कि फलियों की संख्या भी कम होती है। इसी प्रकार पुष्प अवस्था पर सूखा पड़ने पर पुष्प जो है झड़ने लगते हैं, इससे भी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा होता है बीज भराव की अवस्था। बीज भराव की अवस्था में भी अगर सूखा पड़ता है तो बीज में भराव नहीं होता जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। अब आते हैं हम प्रबंधन के बारे में। तो सर्वप्रथम तो जैसा मैंने आपको बताया कि बोनी किस समय करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और बोनी के पश्चात हम मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर बोनी करते समय किसान जहाँ तक हो सके अगर BBF पद्धति या रिट्स फरो से अगर बोनी करते हैं तो उसमें पानी सूखे से होने वाले बचाव से बचा जा सकता है। दूसरा आता है अगर सूखा हमारा कायिक अवस्था पे या पुष्प अवस्था पर पड़ता है तो उस समय हमारी मल्चिंग या दूसरी पद्धति काम नहीं करती है तो उसके लिए हमारे पास एक ही उपचार रहता है, वो होता है स्प्रे। तो हम कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन आपको बताएंगे जिसका स्प्रे करके हम उस समय में अपनी फसल को सूखे से बचा सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्प्रे है वो है 2% DAP और 1% पोटेशियम क्लोराइड। इसका मिश्रण बना करके छिड़काव करें तो सूखे पर जो है इसका अच्छा सूखे से बचाव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है 500 ppm जो है साइकोसिल का अगर हम स्प्रे करें तो उसे भी सूखे से बचा जा सकता है। इसी प्रकार जो और भी हमारे जैसे स्प्लिट डोज नाइट्रोजन और पोटेशियम की अगर हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसको स्प्लिट अगर हम तोड़ करके देते हैं तो उससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन भी हैं जिसका अगर हम स्प्रे करें तो उसका भी सूखे से बचा जा सकता है, 5 से 10 दिन तक सूखे से उससे बचा जा सकता है।